Now next example again regarding arithmetic operations. In that case we are testing behavior of arithmetic operation again same. First one, there are two variables are declared, x and variable y. Both are float variables, therefore decimal number can be stored inside that variables for x and y. फर्स्ट वन एक्स के रिस्पेक्ट में जब ये एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे तो एक्सप्रेशन गिवन है एक्स इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4.0. इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें बेस्ड ऑन प्रायोरिटी रूल्स, देन प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग बात करें टोटल इस एक्सप्रेशन में 3 ऑपरेटर्स यूज हुए, असाइनमेंट, डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन. हाइएस्ट प्रायोरिटी ऑपरेटर्स आर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, हाईएस्ट प्रायोरिटी. लेकिन दोनों का प्रायोरिटी कैसा है, एग्जैक्टली सेम प्रायोरिटी. मीन्स इनका प्रायोरिटी कैसा, एग्जैक्टली सेम. सेकंड लेवल पर चेक करोगे एट असाइनमेंट. तो सबसे पहले अब प्रायोरिटी के बेस पर सॉल्व करना पसंद है, अगेन अप्लाई करेंगे एसोसिएटेड रूल. एसोसिएटेड रूल फॉर बाइनरी ऑपरेटर्स आर लेफ्ट टू राइट. तो लेफ्ट टू राइट के अकॉर्डिंग सबसे पहले सिक्वेंस में डिवीजन फाउंड होगा, डिवीजन परफॉर्म करेंगे. व्हाट इज द फर्स्ट ऑपरेंड फॉर डिवीजन ऑपरेशन, 10. सेकेंड ऑपरेंड इज 4. 10 की बात करें, 10 इज इंटीजर, 4 इज ऑल्सो इंटीजर, देयरफॉर रिजल्ट इज ऑल्सो इंटीजर. तो इसका रिजल्ट क्या आएगा इंटीजर्स के फॉर्म में, जनरली देखा जाए तो जब बेसिक रिजल्ट क्या है इसका 2.5, लेकिन इस केस में 2. इंटीजर्स के अकॉर्डिंग कंसिडर क्या होगा, ओनली इंटीजर पार्ट विच इज ओनली 2, मीन्स दैट वन एक्चुअल वैल्यू क्या है इसका 2.5, लेकिन डेसिमल पार्ट को इंटीजर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पॉसिबल, इसलिए कंसीडर क्या है ओनली इट्स इंटीजर पार्ट इज 2. तो ओवरऑल इसका रिजल्ट क्या है, फर्स्ट वन 10 डिवाइडेड बाय 4 रिजल्ट इज 2. नेक्स्ट वन, जब सेकंड केस में एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे तो अगेन मल्टीप्लाई के लिए फर्स्ट ऑपरेंड कैसे हो रहा है, 2 इज इंटीजर मल्टीप्लाई बाय 4.0 इज डबल. इंटीजर एंड डबल का रिजल्ट क्या आएगा, ऑल्सो डबल, मीन्स 2 मल्टीप्लाई 4 इज रिजल्ट इज 8.0. नाउ 8.0 इज असाइन टू द वेरिएबल x, इसलिए x का वैल्यू क्या प्रिंट हुआ, 8.0 समथिंग और 0. नेक्स्ट वन, सिमिलरली वी आर चेकिंग फॉर सेकेंड एक्सप्रेशन y इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाई 4.0 डिवाइडेड बाय 4. प्रीवियस एक्सप्रेशन के केस में पहले डिवीजन था देन मल्टीप्लीकेशन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों की इसमें सेम है. लेकिन प्रीवियस केस में फर्स्ट बोथ ऑपरेंड का टाइप क्या था, बोथ आर इंटीजर, बट इन दैट केस फर्स्ट सबसे पहले चांस किसको मिलेगा, सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन देन मल्टीप्लीकेशन, सबसे पहले चांस किसको प्रोवाइड करेंगे, 4 डिवीजन. डिवीजन के केस में फर्स्ट ऑपरेंड का टाइप क्या है, इंटीजर. सेकेंड ऑपरेंड इज डबल टाइप ऑफ ऑपरेंड, देयरफॉर रिजल्ट इज ऑल्सो डबल. रिजल्ट का टाइप क्या प्रोड्यूस होगा इस केस में, डबल. इस डबल में रिजल्ट रेफर करना पॉसिबल, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है 2.5, लेकिन 2.5 को डबल में रेफर करना पॉसिबल है. देन उसके बाद परफॉर्म क्या होगा, मीन्स इस केस में डेसिमल पार्ट डिस्कार्ड होने के चांस है क्या, नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ डबल. देन मल्टीप्लाई सॉल्व करें, मल्टीप्लाई बाई 4, 2.5 मल्टीप्लाई बाई 4 रिजल्ट इज अगेन 10.0, मीन्स रिजल्ट इज ऑल्सो डबल. इन दिस रिजल्ट फाइनल रिजल्ट इज असाइन टू द वेरियबल वाई. वाई इस वैल्यू को स्टोर करने के लिए एप्लीकेबल है, तो वाई के केस में क्या आएगा 10.0. देखा जाए तो दोनों ही केसेस में ऑपरेंड्स के वैल्यूज सेम है लेकिन टाइप्स डिफरेंट है, इसलिए फर्स्ट केस में सेम एक्सप्रेशन प्रोड्यूस करा 8.0, सेकेंड केस में 10.0. क्लियर.